अस्सलाम वालेकुम आज उनतीस जुलाई दो हज़ार तेईस है आज की वीडियो खसूस तौर पर फौजी फर्टिलाइजर के हवाले से है इस आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे कंपनी का बैकग्राउंड और खास खूस पर इसकी इनकम सोर्सेज के कहाँ कहाँ से इनकम कमाता है फिर इसके बाद हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे और आखिर में इसका एक्शन प्लान के आया उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए लॉन्ग टर्म लेना चाहिए शॉर्ट टर्म लेना चाहिए कंपनी के बैकग्राउंड से स्टार्ट करें कि कंपनी नाम से ही पता चलता है कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ करती हो तो ये फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एंड बेचती है बनाती हो बेचती है और इसका मेजर पोर्शन इसका फर्टिलाइजर से ही आता है इसके अलावा इसकी एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी है जो कि डिफरेंट जगहों पर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि इसकी सब्सिडीज भी हैं जिनमें जिनमें इनकी सब्सिडीज भी हैं तो वहां से भी कमाते हैं अच्छा खासा हिस्सा जिसमें फर्टिलाइजर है केमिकल है एनर्जी फूड बैंकिंग भी है मेरे ख्याल अस्करी फिर आखिरी इसमें छोटी मोटी अदर इनकम है ऑपरेशन स्क्रैप सेल्स वगैरह हो गया हाउस लोन हो गया प्रॉपर्टी सेल गेन ऑन प्रॉपर्टी सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया इसकी अदर इनकम को मैंने थोड़ा मुख्तसर मजीद हाई लेवल पे यहाँ भी मैंशन किया हुआ है ये बेसिकली इसके दिसंबर 2022 हजार के अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें काफी डिटेल नोट दिया हुआ था तो उसका मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है आ, उसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि ऑन हाई लेवल कि ये कहाँ कहाँ से अदर इनकम कहाँ कहाँ से कमाता है जिसमें इंटरेस्ट इनकम है इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पी आई वी जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इसकी नेचर ये है कि क्वार्टरली इस पर रिटर्न मिलता है डेट फाइनेंस है तीसरा ये म्यूचुअल फंड कमा कमाता है काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो जिसकी पे इसको डिविडेंड मिलता होगा जो आ, मेरे ख्याल में यहाँ मैंशन होगा कन्वेंशन म्यूचुअल बॉन्ड फिर इसके बाद डिविडेंड इनकम है जो इसकी सब्सिडीज से मिलता है और प्राइवेट कंपनीज से मिलता है तो वो डिविडेंड इनकम यहाँ पे तीसरा अदर ऑपरेशनल इनकम है जो कि स्क्रैप सेल हो गया हाउस लोन हो गया कि किसी एम्प्लॉई को लोन पे कर दिया होगा तो उसका इंटरेस्ट है और अदर इनकम छोटा मोटा इनकम तो तकरीबन चौदह अरब में से छोटा मोटा हिस्सा निकाल दें तकरीबन तेरह साढ़े तेरह अरब ये अदर इनकम से कमाता है जो कि एक कंपनी के पॉइंट से बड़ा अच्छा है क्योंकि अगर इन केस वर्स केस अगर कंपनी कोई ऑपरेशन में कोई मसला हो लाइसेंस के हवाले से तो अदर इनकम इतना अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पोर्शन है जिससे अच्छा खासा कमा लेगा आपको याद होगा जिस कोविड टाइम में कंपनी के ऑपरेशन बंद हो गए जिन जिन कंपनीज के पास अदर इनकम की सोर्सिस थी तो वो काफी बेनिफिट में रही उस टाइम पे और इसी इसी वजह से काफी सारी कंपनी ने अब अदर अपनी ऑपरेशन से हट के इन्वेस्टमेंट पे भी काफी फोकस रखा है दूसरी कंपनीज की इसके बाद इसकी मैं कॉस्ट पे मैं सोचा बैकग्राउंड के साथ कॉस्ट को मैं कवर करूँ कि इसकी कॉस्ट का मेजर हिस्सा होता है रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल का और फिर सेकेंड मेजर होता है फ्यूल पाकिस्तान वाइद मुल्क है जिसमें फ्यूल एक एक स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फ्यूल एक मेजर एलिमेंट है क्योंकि हम हम अभी भी पेट्रोल पे ही मैसर है तो काफ़ी सारी एक दुनिया भर में लोग कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स पे आ गई इलेक्ट्रिक एक मशीनरीज पे आ गई कि इसको फ्यूल यूज ना करना पड़े लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के भी शॉर्टेज है तो फ्यूल एक हमारा मेजर एलिमेंट है कॉस्ट का इसके बाद हम देखा जाए इस कंपनी कॉस्ट का तीसरा बड़ा एलिमेंट है स्टाफ कॉस्ट है जो कि अंडरस्टैंडेबल है वेजेस वो लेबर की वेजेस है जो कि मेजर कॉस्ट है बाकी सारे इसके रूटीन कन्वेंशनल एक्सपेंस है तो जो कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इसके बाद की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो मेरे ख्याल में तीन चार दिन पहले ही हाँ फिलहाल रिजल्ट अनाउंस किए थे जिसमें स्टॉक एक्सचेंज को इसने प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रैक्ट वैसे कंसोलीटेड अनकसोलीडेटेड गुणसौलेड़े, जो कि काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर जिसमें अगर हम देखा जाए प्रॉफिट तक सेल्स बत्तीस फीसद इंक्रीज़ किए कॉस्ट ले कॉस्ट बाईस फीसद इंक्रीज़ किए जो कि अच्छी बात है कॉस्ट कम परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई और सेल ज़्यादा तो जीपी पी इंप्रूव ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव हुआ होगा इसके कंपेरिजन में अगर मैं एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करूँ एंग्रो फर्टिलाइजर का सेल्स जितनी परसेंट से इंक्रीज हुए कॉस्ट उससे ज़्यादा परसेंट से इंक्रीज हुई क्योंकि इसको फ्यूल कॉस्ट काफ़ी चैलेंज रहा एंग्रो फर्टिलाइजर के लिए इस, इस इस केस में इस इस फाइनेंशियल इस स्टेटमेंट को देख के ऐसा लगता है कि इसकी कॉस्ट वजह से उनके जीपी पी काफ़ी इंप्रूव हुआ है और तीसरी चीज़ की बात बताऊं इसके अदर इनकम जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम थी जो अदर इनकम जो दूसरी जगहों से कमाता है तो उसकी हम देखा जाए तो फाइव पॉइंट फोर बिलियन थे और अब सिक्स पॉइंट एट है ये भी तकरीबन बाईस तेईस चौबीस परसेंट से इंक्रीज हुआ है तो ये भी काफ़ी अच्छा एक नंबर है कि कंपनी के हवाले से ई की बात की जाए ई पी तक इलेवन था फिफ्टीन पे तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है के अर्निंग बढ़ रही है और फिर ऑब्वियसली इस पर डिविडेंड पे भी इम्पैक्ट नजर आएगा एक चीज में डिविडेंड को थोड़ा सा मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी के अल्टीमेट पेरेंट फौजी फाउंडेशन है जो कि पैंतालीस फीसद तकरीबन होल्ड करता है और तो इसी वजह से ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी देती है और फौजी फाउंडेशन का अच्छा खासा एक्सपेंस इस कंपनी के डिविडेंड से चलता है तो इस वजह से इस कंपनी को आ, एक ही पेरेंट है आ, और एक ही वो तो इसलिए डिविडेंड देती है और फौजी फाउंडेशन काफी वेलफेयर वगैरह में भी कंट्रीब्यूट करता है तो इस वजह से इसको हर बार एक मॉरली भी इसको डिविडेंड देना पड़ता है पिछले तीन साल पे अगर देखा जाए तो डिविडेंड पंद्रह परसन है एवरेज और तीन सालों की बात की जाए तो दो में एक सौ परसेंट साढ़े चौदह दो हज़ार बाईस में बारह परस बारह रुपये पर, पर, पर शेयर और दो हज़ार तेईस में अभी तक सेकंड क्वार्टर तक सेवन साढ़े सात रुपये दे चुका है डिविडेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दो हज़ार में इस इस, इस मिनिमम इतना नंबर तो होगा डिस्पाइट सुपर टैक्स भी है लेकिन ये नंबर होगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की काफ़ी अच्छी इस बार काफ़ी इंप्रूव है शेयर की प्राइस की बात की जाए सौ पे ट्रेड कर रहा है एट द मोमेंट और अगर देखा जाए पिछले पाँच सालों में ये तकरीबन इसी इसी कीमत पे था तो ये काफ़ी स्टेबल है

कि मजीद बढ़ेगा क्योंकि स्टॉक ऐसे आज मेरे कहा सैंतालीस हजार के, के करीब आज आगे सैंतालीस हज़ार क्रॉस कर चुका है तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी अपनी प्री कोविड वैल्यू पर चल जाएगा जो कि तकरीबन एक सौ दस रुपये के करीब है और इसके बाद इन्वेस्टमेंट बात की जाए लॉन्ग टर्म के लिए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट और एक तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मूव नहीं कर रही तो इसलिए भी एक लॉन्ग टर्म पॉइंट से काफ़ी अच्छा है जैसे कि एज ए पोस्ट अगर आप कैपको वगैरह देखें और दूसरी और दूसरी कंपनीज देखें जो डिविडेंड भी देती है लेकिन उसके सिग्निफिकेंटली मूवमेंट है फॉर वन और अदर रीजन कोई भी रीजन हो सकता है उसको, उन कैपको का लाइसेंस का इशू है एंग्रो फर्टिलाइजर का इस तरह का फिलहाल कोई इशू नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा शेयर है और इसके नाम के आगे आप समझ गए हो गए फौजी नाम है तो चलना तो है दूसरी चीज इससे डिविडेंड रिसेंटली ये जो दो चार पाँच दिन पहले अनाउंसमेंट हुई थी तो इसमें डिविडेंड अनाउंस कर साढ़े इकतीस परसेंट जो कि तीन रुपए एक थ्री पॉइंट वन रुपीज पर शेयर बनता है तो इसकी वजह से इसका बुक क्लोजर मेरे वेनजडे को है तो अब मंडे ट्यूजडे में देखेंगे कि थोड़ी सी थोड़ा सा इसमें प्रेशर होगा बाइंग प्रेशर होगा और तो जो अगर कोई बाय करना चाहता है आ, आ, आया डिविडेंड के बाद बाय करे ताकि नीचे वैल्यू पे बाय करे और लॉन्ग टर्म के रखे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है थैंक यू सो मच कोई भी सवाल आप मुझे मैसेज कर दें इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा जजाकल्ला